पापा क्या कर रहे हो? कुत्ते को घी और सिमोन को प्यार हजम नहीं होता। हमारे घर पे धूम्रपान कोई नहीं करता, इसके अलावा तेरा प्यार 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 ले बीड़ी मार। अरे 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 क्या हुआ, काट लेगी? नहीं, इसके दांत ना इतने जबड़े से इतने बाहर आ गए हैं, थोड़ा करीब आती है ऐसा लगता है कि अभी मार देगी। ओ अनूप जलोटा लग रही है आज तो बता दूं तेरे डैडी को। भाभी जी हमें देख के क्यों जा रही हैं? वो पीछे एक भाभी है, देखिए। मैं हां भी वे पीछे मुड़ के देखनी है, पसंद आ गया मेरा भाई ने। बन जाते हैं रिश्ते हजार जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है रिश्ता गरीबी में जो सबसे पास होता है। ओ चैनल कैसे आप सभी, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे सुबह के 8। मैं फालतू में छत में आ गई हूँ, बेचारी सिमोन ना धो के अभी अपने कपड़े सुखाने आई थी, वो भी बारिश में। तो मैंने कहा ओहो, इसकी बुद्धि तो तीव्र गति से आगे बढ़ रही है, और वैसे ही 3-4 दिन से लगातार ही बारिश हो रही है। तो ये बेचारी भी अपना दिल रखने के लिए चलो बारिश में ही कपड़े सुखा रही है, बहुत ही बढ़िया। और मैं छत में आई सिर्फ और सिर्फ इसका मजाक उड़ाने, दोस्तों झूठ क्यों बोलूं। अब सर्दी आने लग गई है तो मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी ठिठुर रही है, मुझे ठंड लग रही है दोस्तों। फिलहाल अभी चलते हैं नीचे, ये तो बेवकूफ़ है, अभी कपड़े तो उठा ले। सो गाइस अभी बज चुके हैं दोपहर के 12, रोज की तरह आज मैंने काम चोरी करी, उसके अलावा कुछ नहीं। और अभी सिमोन के ना इंस्टीट्यूट से आने का टाइम हो गया है, तो मैं सोच रही फटाफट से रेडी होके ना रास्ते में नीचे से कुंडली मार के बैठ जाती हूँ, क्योंकि आज मेरे को जाने ग्रॉसरी स्टोर हमारे घर के ना साबुन खत्म हो गए भाई, जैसे कि विम बार 555 और वो हैंड वॉश होता है ना वो भी खत्म हो गया। चलो एक पल के लिए मैं नहाने की साबुन को इग्नोर कर दूँ, 4 दिन तक ना नहाऊँ, और एक पल के लिए मैं बर्तन भी ना मांजने का बहाना ढूंढ लूँ कि विम बार खत्म हो गया, पर हैंड वॉश समझ रहे हो, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। और वैसे भी वो जो छोटे छोटे बच्चे कुचे साबुन से हाथ धोना पड़ता है ना, मुझे भाई बड़ी मौत आती है, वो बच्चे बच्चे साबुन बड़ा साबुन बना के हाथ धोने में मुझे थोड़ा घिन टाइप का आता है। तो इसीलिए मैं 3 दिन से सोच रही हूँ कि आज जाऊँगी, पर ये बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। आज तो भाई बाढ़ आ जाए, बादल फट जाए, मैं फिर भी जाऊँगी, ठीक है। तो जो सिमोन है ना वो मेरे साथ नहीं चलती है मार्केट, वो बेचारी सुबह सुबह क्लास जाती है, थक जाती है, तो मैं सोच रही हूँ आज मैं ही उसके रास्ते में ऐसे सांप बन के बैठ जाती हूँ कि चल यहीं से चल, क्योंकि अब अगर वो घर आएगी तो उसको मन करेगा ना कि बेड में लेट के आराम करूँ, तो उसको बेड देखने ही नहीं देते हैं, रास्ते में उसको रोक लेंगे कि चलो चलो यहीं से चलो। सभी फटाफट से मैं हो जाती हूँ रेडी, और मैं यूज़ कर रही हूँ मामाअर्थ का विटामिन सी डेली ग्लो फेस क्रीम, इसमें विटामिन सी के साथ टर्मरिक की गुडनेस है, ये मेड सेफ है, डर्मेटोलॉजिकली टेस्टेड होने के साथ ऑल स्किन टाइप को सूट भी करता है, ये हमारा पीएच बैलेंस करने में हेल्प करता है, साथ ही ये सिलिकॉन सल्फेट जैसे हार्श केमिकल फ्री है। इसके अंदर जो विटामिन सी है वो हमारी स्किन ब्राइटनिंग में हेल्प करता है, साथ ही टर्मरिक हमारे नेचुरल ग्रो को रिवाइव करता है, एंड ये फेस क्रीम हमारे स्किन इल्यूमिनेशन में भी हेल्प करती है, एंड ये बहुत ही अच्छा मॉइस्चराइजर का भी काम करती है। सो प्रोडक्ट लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन मेंशन कर दिया है, मामाअर्थ के सभी प्रोडक्ट है ना आपको इजीली Amazon, Flipkart, Nykaa, Purple या मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट और ऐप पर भी मिल जाएंगे, बट अगर आप मेरा कोड जो कि मैं स्क्रीन में मेंशन कर रही हूं उसे यूज करते हो मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या उनकी ऐप पर, तो आपको एक्स्ट्रा 20% ऑफ मिलने वाला है। एंड मामाअर्थ एक प्लास्टिक पॉजिटिव ब्रांड भी है, लाइक ये जितना प्लास्टिक यूज नहीं करते हैं उससे कहीं ज्यादा ये रिसाइकिल करते हैं, जो कि हमारे एनवायरमेंट के लिए और हमारे लिए काफी अच्छा है। साथ ही मामाअर्थ ने एक बहुत ही खूबसूरत सा इनिशिएटिव लिया है कि इनको 1 मिलियन ट्री प्लांट करना है, और इस अच्छे काम में हम इनकी हेल्प कर सकते हैं। लाइक जब भी आप मामाअर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट या ऐप से कोई भी ऑर्डर प्लेस करते हो ना, तो ये हमारे ऑर्डर को लिंक कर देते हैं एक रियल प्लांट से, लाइक ये हमारे पर ऑर्डर पर एक असली प्लांट उगाते हैं, जो कि अगेन हमारे ग्रीन एनवायरनमेंट के लिए काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है। एंड बाकी आप सभी समझदार हो, सारे लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, तो देर मत करो, गो एंड चेक इट आउट। भाई वो नीचे ना 2 लड़के जा रहे हैं, बताओ लड़का होने के बावजूद उनके पास रंग बिरंगी छतरी है ना, और एक मेरे माँ बाप बचपन से मुझे काली छतरी देते हैं, क्यों मम्मी? मेरा मन नहीं करता रंग बिरंगी छतरी के नीचे एकदम प्रिंसेस जैसा लगने का, काली छतरी क्यों दिलाती हो बता दो, ये ज्यादा बारिश से बचा लेती है या ज्यादा धूप से? भाई धूप में भी मेरे को ये काली छतरी दे देती है मम्मी। और ये देखो ये हमारा लैपटॉप, इसमें मैंने कितने 38 को हिंदी में कितना बोलते हैं 38,000 रुपये मैंने इस लैपटॉप को खरीदने में लगाए, बताओ कितनी मैंने अपनी इच्छाएं मार के वो 38,000 रुपये बचाए होंगे कि मेरे को लैपटॉप खरीद रहा है। और आज ये लैपटॉप क्या कर रहा है, आज ये लैपटॉप मेरी मम्मी के काम आ रहा है भैया, मम्मी इसमें अनुपमा देखती है, मतलब अनुपमा का गृह क्लेश कितना बड़ा ये देखने के लिए ये लैपटॉप लिया था, बताओ। अब मेरी मम्मी ठीक हो गई दोस्तों, तो अब मेरी मम्मी क्यूट लगने लगी है, कश्मीरी एप्पल में वो लाल पना वापस आ रहा है ना। क्या बनाया है आज मम्मी ने बनाया है रोटी चना, छोले नहीं है मम्मी, चना है, चना और कद्दू की सब्जी, खाइए खाइए।
देख रहे हो सैनिटाइजर की कमी के कारण उस बेचारे पूरे साबुन को अपना बलिदान देना पड़ा, अधूरा हो गया। मतलब साबुन है नंबर वन, इस नंबर वन को भी मेरी मम्मी ने बीच में से काट के हाफ कर दिया। मजा आ गया देख के, तो फन हो गया जी, तो शिट हो गया सोप के साथ जी। खैर छोड़ो, आज भी इस बेचारे का अधूरापन मैं दूर कर दूंगी। बताओ दुकानदार ने भी कभी ऐसे मेरा भोला चेहरा देख के सोचा होगा कि ये बच्ची जो घर पूरा साबुन ले जा रही है, घर जाके उसको आधा काट देगी। पता है यही प्रॉब्लम है, जब मेरे हाथ में साबुन लगती है ना तो मुझे लगता है कि वो उतरी नहीं है और मैं बार बार हाथ धोती रहती हूँ। अरे यार खाल उतर जाएगी मेरे हाथ की अगर 4 दिन ये साबुन और मैंने इस्तेमाल करी तो, इसलिए मेरे को लेकर आना पड़ेगा अभी हैंड सैनिटाइजर। चलो, और मैं रेडी भी हो चुकी हूँ, मैंने अपने मैरून कलर का जंपसूट पहना है। दोस्तों जब भी मुझे बाहर जाना होता है ना तो मैं यही पहन लेती हूँ, क्योंकि इसमें मेरा मोटापा थोड़ा सा छुप जाता है। और इस शीशे को थोड़ा सा इग्नोर करना, कहीं तुम लोग सोच रहे हो अरे आपका शीशा इतना गंदा है, तो भैया वॉश मिशन देख लो, हमने जैसे चमकाया हुआ है तो इसको चमका सकते हैं। नलखा भी हमारा क्या चमक रहा है देख रहे हो, तो हमने इसको भी चमकाने की पूरी कोशिश करी होगी। पर भैया ये सरकारी शीशा है, इसमें दाग तो लगने ही थे। जब से इस घर में आया तब से शीशा ऐसी है, इसमें तेजाब डाल दो, मिट्टी तेल डाल के आग लगा दो, ये ऐसा ही रहता है, ये ठीक नहीं होता है, समझ रहे हो। मेरी मम्मी तो शीशे को सुंदर बनाने की पूरी कोशिश करती है अपनी बिंदियाँ चिपका के। पहले ये शीशा इतना सुंदर है, मम्मी अपनी बिंदी चिपका के और सुंदर कर देती है। क्या बात क्या बात क्या, अब बोल अब कैमरा ऑन हो गया, अब बोल वो गंदी बातें जो तूने अभी बोली, रिपीट कर करना कर दे। जूते गीले हो जाते इसलिए दूसरे बंदे की चप्पल पहन के चली गई। हाँ। पहले मुझे लगता था कि मैं सुबह लेट उठती हूँ इसलिए मेरी बियोशी का फायदा उठा के मेरे कपड़े पहन के जाती है। हाँ। आज तो मैं उठी भी थी, मेरा कपड़ा मेरा बैग मेरा चप्पल सब लेके चली गई। पूरा बता दे भाई, मुझे टाइम से शादी वादी करनी पड़ेगी वरना तू तो सब लेके भाग जाएगी। फिर मुझे रेंज रोवर कैसे मिलेगी? रेंज रोवर लाएंगे पहले। ऑल्टो की औकात रही है, रेंज रोवर के सपने देख रहे हैं। चलना जल्दी चलना। पापा नहीं तो कहा था बंद आंखों से नहीं खुले आंखों से सपना देख, मैंने खुले आंखों से रेंज रोवर देख दी। क्या हो गया फिर? और तेरे को क्या लग रहा है कि ऐसे बाल खोल के जंप सूट पहन के मेरा तो बिल्कुल अलिया भट्ट लग रही है, अनूप जलोटा लग रही है बेटा। ये बीड़ी कहाँ से आई हमारे घर में? तो कोई दूसरी कुछ खाने की चीजें होगी, बीड़ी है। तेरी तो आई, हमको क्यों पकड़ा दी? तेरी बीड़ी है वो? अबे ये श्राद्ध चल रहे हैं ना, किसी ने रखी होगी भाई। हाँ। हमारे घर पे धूम्रपान कोई नहीं करता इसके अलावा। मेरे अलावा। हाँ। तेरा प्यार 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 ले बीड़ी मार। हुक्के की औकात तो है नहीं, वो भी 300 का आता था 700 का हो गया। अब कुछ लोग बोलेंगे गोगा को तो नाम भी पता है रेट भी पता है, मतलब गोगा को वो भी पता है जो तुम्हारे माँ बाप को नहीं बता, तो बता दू तेरे डैडी को। भाई अब कुछ लोगों का ना ध्यान पूरे व्लॉग में मैंने क्या बोला उसमें नहीं जाएगा, सिर्फ हुक्का और बीड़ी बोला इसी में जाएगा, रात को नींद आ जाएगी बाबा। ठीक छो बाबा, तो एप्पल खा लो। और तू बाल खोल के कैसे गई? मैंने मैंने बोला था ना खोल लठली होते छुची लोग ठड़ा लगा ला, ठड़ा लगाने दे पिटेगी। जा छत से अपने कपड़े तो लिया जो तूने बारिश में सुखाने डाले थे। अरे क्या कर, सुबह से बहुत तेज बारिश आ रही है, अभी तक तो सूख गए होंगे है ना? मम्मी ने बोला डाल दे। ओहो अनूप जलोटा लग रही है आज तो। भाई ये बंदी बड़ी तेज है, पता है क्या करती है ये ना, मेरे को बोलती है बिल्कुल फिटिंग के कपड़े मंगा, बिल्कुल फिटिंग के कपड़े मंगा अच्छी लगेगी। हाँ। मैं भी बिल्कुल एकदम चस्ट टाइट जिस कपड़े को पहन के मुझे सांस ही ना आए। हाँ। उतना टाइट कपड़ा मंगा देती हूँ ठीक है। जैसे मैंने आज कपड़ा ऑर्डर किया, अब कपड़े को आने में लगता है 1 हफ्ता, 1 हफ्ते में मेरा 2 किलो वजन बढ़ चुका आता है, तो वो कपड़ा जो मेरे से 2 किलो कम होगा उसी में आएगा। तो ये मुझसे वजन में 2 किलो कम है, ये मुझसे 10 किलो कम होगी। इधर आओ इधर आओ इधर, ओ अपना डबल चिन दिखाओ जरा, हाथ हटाओ ऐसे करके, कैसे प्रिंसेस लुक दे रही हो। चल बहन चल, अभी तू जल्दी से चल। तू कितना भी फेयर एंड लवली लगा ले, लगना तूने मैन हैंडसम ही है। ओ, मैं कोई क्रीम नहीं लगा। हाँ तो हाथ में दिखाना क्या है, तू कुछ नहीं लगाती मुंह पे तो। चल लिपस्टिक लगा रही हो, लगाओ लगाओ लगाओ। सिवान तेरे बाल बड़े हो गए वैसे। क्यों क्यों क्या करना है बड़े वालों का? गंजी हो जाए मुंडन कर ले फिर, किसी की बिक तो बनेगी। किस चीज में कंफ्यूज है? बाल बढ़ा ले, क्योंकि बड़े बालों में ही तो ठीक लगती थी। अभी तो तू अरे अनूप जलोटा जैसा वो बना दिया, फिर तो तू ऐसे ऊ करके पगलेट। चल वैसे आज एक हमारे साथ एक शिट हो गई आज। क्या? वो देखो हैंड सैनिटाइजर वो हैंड सोप खत्म होने की वजह से नंबर वन साबुन भी आधा हो चुका है। काटा है हमने आधा। हाँ तुमने काटा है, मैं तो नहीं काट सकती, नहीं भी बताती तो भी लोगों को पता था ये काट पीट नास पीट वाले काम यही करती है। वैसे आज हम दोनों बहनों ने जंपसूट पहना है। Yes. Yes. Nice. Cute together. भले ये हम भाई बहन है। ओह बहन बहन। चल चल चल। चल।
ये मैं चश्मा भी पहन लेती हूँ। चश्मा पहनूंगी ना, अब जो बंदा खाता देखता है वो चश्मा ही लगाएगा। तुम्हारा तो कुछ जान ही रहा है, तुमने तो वहाँ जाके बोलना है गोगा ये भी दिला दे, वो भी दिला दे, वो भी दिला दे। फिर पर फिर मैं सोचती हूँ अरे कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं कोई नहीं, मेरी छोटी बहन ने दिला देती हूँ, है ना। तुम्हारे घर में इतने चश्मे में से कौन सा तुम्हारा लाया हुआ था जो तुम्हें टेंशन हो रही है, खो गया। बिल्कुल बहुत बढ़िया लग रहा है चश्मा तो, सही लग रहा है। अपने बारे में पूछ। और मैं कैसी लग रही है? तू भी अच्छी लग रही है। पक्का? हाँ पक्का। अभी हमें बाहर जाना है, बाहर जाएंगे पैसा खर्च होगा, और जहाँ भी हम ग्रोसरी स्टोर रहे हैं तो वहाँ पे बहुत सारी खाने पीने की इसको चीजें दिखेंगी, है ना। तो ये इतनी चतुर है ना, अभी ये देखना मेरे को कितना प्यार करेगी। मतलब शक्कर गुड़ चीनी सब फीके पड़ जाएंगे इसकी मीठी मीठी बातों के आगे। अभी ये मुझे बताएगी कि गोगा तू बड़ी बहन है, तुझे पैसा खर्च करना है, तुझे मेरी इच्छाएं पूरी करनी है। पूरा ज्ञान पेल देगी ये मुझे कि बड़ी बहन को क्या क्या करना चाहिए, क्योंकि अभी बात पैसे की है भाई। मैं बता रही हूँ, अगर तुम्हें समाज में रिश्तेदारी में और घर वालों से या किसी भी रिश्तेदारी से किसी भी रिश्ते से प्यार इज्जत और सम्मान चाहिए ना, तो भाई मेहनत करके पैसा जरूर कमा लेना। ये जिंदगी का एक बहुत बड़ा सच है कि इंसान की नहीं पैसे की इज्जत होती है, समझे। इन्हीं जैसों के लिए बनी है कहावत कि बन जाते हैं रिश्ते हजार जब पैसा पास होता है, और टूट जाता है रिश्ता गरीबी में जो सबसे पास होता है। वो समझ रहे हो, कड़वा है मतलब, पर सत्य है दोस्तों। गरीब को कोई वो लोन नहीं देता, अमीर को सब देते हैं, समझे। जब बैंक में भी लोन लेने जाते तो पूछते रहिए रोजगार है कि नल्ले हो। ये बात तो सही बोल रही है, तभी तो ये मेरे से बातचीत करती है कि कल को लोन भी इसको मैं ही दिलाऊंगी क्योंकि ये तो नल्ली है। चले चलो चलो, ये देखो चश्मा कहाँ टांगा। अबे ये मैंने अपना अंधापन दूर करने के लिए खरीदा है चश्मा। मत लगाया कर तू, अरे रोज लगा लेती है, ये क्या बात होती है। मैं रोज आंखों में चश्मा लगा लेती हूँ, आज तुम माथे में टांग देगी। अच्छा ले यार, तू ही ना चिकचिक करती है, ले लगा ले। तमीज में पहना, तमीज में, अभी तेरे साथ फन हो जाएगा, घूमता हुआ चांटा मारूंगी। चलो 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 दोस्तों, अब मेरी चप्पल तो मेरी बहन ने पहनी हुई है, मैं क्या पहनूं? कुछ और पहन ले, अपनी हाई हील्स पहन ले। मेरे प्यार का इतना फायदा उठाती है ना सिमोन, कसम से। तुझे पता है मैं ऐसी मोटी चप्पल नहीं पहनती सिमोन, इस हील में मेरा पैर 10 बार ही टूटा है। ये पता होते हुए कि इस चप्पल से मेरा 10 बार पैर टूटा है, मुझे फिर से ये दे रही है। इस चप्पल को तो संभाल के रखना है मुझे। क्यों? अरे भूल गई? ठीक है। हाँ ये चप्पल तो मेरी प्यारी है, पहन लेते। चलो इसी को पहन लेती हूँ। बात बताएगी मुझे, पता है कोई आया? कौन आया? कौन आ गया? मेरा बाप। ओ माय गॉड, अरे पापा स्टाइल मार के आई हो एकदम। मैंने कहा कौन आया, कह रहे हैं तेरा बाप। पापा ऐसे कैसे भाई, झूठ बोला थे बताओ। सच बोला, बिल्कुल आप ही हैं, आप ही हैं। हमारे घर में कितनी सारी काली छतरी है, सिमोन की भी, पापा की भी, मेरी भी। पता कैसे चलेगा किसकी छतरी कौन सी है? अबे दिमाग ना, घर की छतरी कोई सी उठा ले। हाँ हाँ, तुझे तो आदत है बेटा किसी का भी सामान उठाने की, हमें भी यही सीखा। फूटी होगी वो तेरी। देख देख पापा कितने समझदार है, वाह कह रहे हैं, जो टूटी फूटी होगी वो तेरी, जो सही होगी वो हमारी। कोई बात नहीं पापा, कोई बात नहीं, कॉम्प्रोमाइज की तो मुझे उस दिन से आदत पड़ गई थी जिस दिन मेरी छोटी बहन हुई थी। कोई बात नहीं, अरे नहीं। बचपन में पता है जब मैं छोटी थी मेरे दिल में सिमोन के लिए बहुत नफरत थी। हाँ कहती थी कुकर में पका दो इसे। ये बताना जरूरी था? सच में बोल रही हूँ। हाँ सच में मैं बोलती थी जब मैं छोटी थी, तो मुझे ना अच्छा ही लगता था क्योंकि सिमोन और मुझे सिर्फ 2 या 3 साल का अंतर है। अब 3 साल के बच्चे के सामने उसके माँ बाप उसको अटेंशन ना देके छोटे वाले को दे तो बुरा तो लगना ही था, क्यों पिताश्री? पर आपने मेरे बारे में सोचा नहीं। बचपन में मैं अपने पापा को बोलती थी ये लो चक्कू और काट दो इसको। फिर मेरे पापा मुझे पीटते थे। नहीं नहीं नहीं, ये सच्ची बात है। पर फिर जैसे जैसे बड़े होने लगे ना, तो फिर मुझे सिमोन से इतना प्यार हो गया, इतना प्यार हो गया कि आज देखो शॉपिंग करा के आएगी। हाँ कि बिल्कुल, ये इसके ऊपर मैंने अपनी मेहनत का पैसा मैंने अपने से ज्यादा इसके ऊपर खर्च करना शुरू किया। एहसान फरामोश है ये, इसको लग रहा है कि मुझे नहीं पता होता कि ये मेरी चीजें यूज कर रही है, मुझे सब पता होता है। और मुझे तसल्ली रहती है कि चलो मेरी बहन है, चलो घर में भले ही गोद ली है मेरे माँ बाप ने, दिल बड़ा है उनका। चला जा, ये बरखा में नहीं जाना, सोप खत्म हो गया है। एक बार इसको कुछ नहीं हुआ, हमको कुछ नहीं हुआ। एक बार कुछ बोल दो इसके बारे में, अच्छी लग रही है ये? चिल्लड़ क्यों निकाल दिया पापा आपने? पापा क्या कर रहे हो? चिल्लड़ से नजर उतार दी। अरे पापा आप भी ना फन कर देते हो, बिल्कुल ही फन कर देते हो। मेरी मैं तो कहता ही था मेरी माँ के चरणों में लक्ष्मी है, सबसे बड़ा सिक्का मतलब एक एक 2 का सिक्का मुझे उन्हीं के चरणों में मिला। वो उधर भी है,
उधर भी है, उधर भी नजर उतारी वो जेब में धर रहा है। अरे पापा आपको पता ही तो नहीं है आपने किसकी नजर उतारी, आपने तो अपना बच्चा समझ के उसकी नजर उतार दी, पर वो चिल्लर लाया कि ये देखो। अबे मैगी आ सकती है, इससे चुलबुले आ सकते, इससे क्या नहीं आ सकता। तो खाली लिफाफे से उतारता इससे क्या है? इसको बेक देगी ये, पापा बड़ी लीचड़ है ये, इसको भी बेक देगी। ओए ओए अरे 1000 रुपए मिल जाते यार अभी तेरे को, तेरी किस्मत में चिल्लड़ ही लिखा है, ले तू मेरी बोतल से पानी पी ले। मेरा फोन चार्ज से मत आना, थैंक यू प्यास तो लगी। ओए दादा तो नहीं है उनका पाप, ये देख रहे हैं यार इसको प्यार हजम ही नहीं होता पापा, कुत्ते को घी और सिमोन को प्यार हजम नहीं होता। मजा भी नहीं आ रहा खोल के भी, हो इतना चुस्त से पानी आ रहा है। लंगूर के हाथ में अंगूर देखा है आज देख लो। चलो चलो चलो, ये सुबह सुबह पता है आज छत पे गई, मैंने कहा क्या करने जा रही है, कह रही बारिश में कपड़े सुखाने जा रही है, बताओ अरे यार मेरी मम्मी ना बहुत भोली है, वो बचपन में नहीं होता जो बच्चा सबसे छोटा रहता है उसकी कच्ची मिट्टी कर देते हैं कि तू इस टीम से भी खेलेगा, तू इस टीम से भी खेलेगा, मेरी मम्मी बहुत भोली है, कच्ची मिट्टी है मम्मी की, कच्ची मिट्टी तेरे से भी, तेरी टीम से भी और पापा की टीम से भी। ठीक है चलो भाई बताओ, जिस बात पे लड़ रही है मम्मी ने तो मेरे, कैसी कैसी झूठ बोल रही है। अरे जाना पर तूने बारिश में कपड़े सुखाने डालते, सुबह से बहुत तेज बारिश आ रही है, सूख गए होंगे। चलो चलो अपनी अपनी छतरी ले लो, मेरी तो ये छोटी वाली है। भाई पापा तो आज डंडा लाया मैं मारने के लिए, ये सही मिल गया दोस्तों, मिल ले तेरे पास कुछ, तेरे मेरे पास तेरे लिए कुछ है। इससे इतनी जोर की लग रही है, देख गिरी नहीं, गिरी नहीं, मारा नहीं, मारा पापा नहीं मारा, सॉरी मैंने सोचा कि फिसल गई उसमें। ए पापा तो हिंदी फिल्म में जो बाबूजी होते हैं ना उनकी तरह भगते हुए आए, जैसे सिमोन ने बोला ए बेटी तो गिरी हुई है। चल अरे इसको बोलो ना फिर मारूंगा, नहीं तो क्या करूंगा। मैंने बोला ना चलते हैं, चल पापा भी चलते नहीं, 10-20 बार शीशे पे खड़े होने से चलिए उतरेगी नहीं, हवा नहीं है, बंबई नहीं जा सकते। पापा सो रहे हैं, एक बार कैमरा बंद हो फिर मैं इन दोनों को बताऊंगा। नहीं नहीं, अगर मैंने तुमको कुछ बताना तब तो मैं इतनी नहीं होती आज। चल चल, मतलब हम नॉटी हो गए हैं, नॉटी नहीं नहीं, मेरे को तो आप नॉटी भी मत बोलना पापा, रिश्तेदारों में पूरा नाम है कि गोगा तो पापा में गई है, अगर मैं नॉटी तो आप भी नॉटी। बैग लेके जाना है, वैसे वो बैग तो देते ही है। ये नहीं लेके जाना, पगलेट है क्या? अरे पागल ही लेके जाऊंगी मैं, कैसी कैसी बातें करती है तू, इसे पापा तिजोरी में रखो, गुची का है ये पापा। अच्छा, इंग्लैंड जाते समय वो छोड़ गई थी महारानी। सरकार सुन लेगी तो म्यूजियम में रखने के लिए मांग लेगी, अभी करोड़ रुपए दे देगी सरकार में। हाँ चल सिवा चल, छतरी ले छतरी ले। अरे नहीं करोड़ रुपए अभी नहीं लेने, बारिश में भेगे ना और देंगे। हाँ ठीक है बाद में, दिल्ली में 4 बार ठीक है बाद में लेके चलो, ऑटो ढूंढ के लेकर आ, पागल हो गई हूँ अगर ऑटो मांग रही हो तो, और तू प्रिंसेस बन के रहे छतरी के नीचे। ठीक है पापा जी, इधर आ इधर आ, छतरी के नीचे ले, फोन पकड़। इसका केस नहीं लाई तू, केस तो तेरे ऊपर होगा, ये जो गंदी शक्ल लेके घूम रही है ना तू। फिर देख पिंक कलर का बैग ले, बैग ब्लैक लाना चाहिए था। क्यों तेरे ड्रेस के साथ मैच होता है, दिखाना छतरी पकड़ लूं। ओए ओए हां ओए ओए चलो। सो गाइस हम लोग निकल चुके हैं, बारिश अभी भी कंटिन्यू हो रही है, लाइक इतनी भी नहीं हो रही है कि बिल्कुल ही हम भीग जाएंगे, पर भीग जाएंगे। सभी छतरी लेके घूम रहे थे, हमने सोचा हम भी ट्रेंड फॉलो करते हैं। ये देखो दो छाते नहीं ला सकती थी, दो छाते तो मैं ला सकती थी पर मैंने लेना एक ही था तो मैं एक ही लाई। तू अपना खुद दे। अभी हम जा रहे हैं ऑटो ढूंढने दोस्तों। अरे 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 क्या हुआ, काट लेगी? नहीं इसके दांत ना तो जबड़े से इतने बाहर आ गए, थोड़ा करीब आती है ऐसा कि अभी मार देगी। सबके पास रंग बिरंगी छतरी है, बताओ भैया के पास लड़का हो गया पिंक कलर की छतरी है और मेरे पास ब्लैक कलर की। ऑटो को रोक, अबे बाइक है, ऑटो 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 ऑटो, ये बाइक है जी, इसकी बाइक देख लो, चार पहियों वाली बाइक देख लो इसकी। भाभी जी हमें देख के क्यों जा रही हैं, वो पीछे एक भाभी है देखी, मैं अभी भी पीछे मुड़ के देखनी है, पसंद आ गया क्या मेरा भाई ने। ऑटो ऑटो यार, सब ऑटो में एक एक आंटियां बैठी है, भीग रही हूं बहन, तू भीग जा, ये कैमरा नहीं भीगना चाहिए। ठीक है बंद कर, इसे बैग में डाल, घर वाले हमारी जान सुखा देंगे कि बेटा किस एंगल में वीडियो बना रही है तू, ये तेरे दांत में टीट एंगल में, टीट एंगल में मत करो फिर मुझे हटा, रुक जा, टो एंगल हो सकता है, नी एंगल हो सकता है, टीट एंगल नहीं हो सकता, और तुम लोगों के दांत होंगे नहीं दिखाने लायक, इसके हैं नहीं मेरे नहीं है, हैं इसके हैं। हम देखते रहो जब से पूछे हमें कितना मजा आता है, ऐसे हमें पहाड़ गर्मी दिख जाता है, तेरा डबल चिन भी तो हम रोज ही देखते हैं।
डबल चिन से तो मैं क्यूट पप्पी लारी लगता हूँ। ऑटो 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 अंकल आ गए, अंकल आ गए, अंकल 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 आ गए। सो फाइनली हमें ऑटो मिल चुका है। बारिश की वजह से ना जहाँ 40 लगे थे वहाँ 60 रुपए लग रहे हैं दोस्तों। वैसे जाने के लिए तो हम पैदल भी चले जाते, इतना दूर भी नहीं है ना, मौसम अच्छा है तो हम चले जाते पैदल। ऐसे क्या देख रही है, ऐसे 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 देख रही है जैसे अंबानियों के घर पैदा हुई थी तब पैदल चलने के लिए बोल दिया। बड़ा ऑटो भैयालों के घर में पैदा हुई है, वो भी मिडिल क्लास, ठीक है, समझ रही है। सो यार मेरे को लग रहा है ये ब्लॉग है ना काफी लंबा हो गया है, तो मैं इस ब्लॉग को कर रही हूँ यही एंड। अगर आपको ब्लॉग अच्छा लगा तो मेक श्योर वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अब मैं जब ग्रॉसरी शॉप पहुंचूंगी तो नया ब्लॉग स्टार्ट करूंगी, और कल देखना कि हमने वहाँ से क्या क्या लिया है। कुछ नहीं लिया है, 555 ही लेंगे।